दोस्तों, अफ्रीका का जंगल बहुत ही खतरनाक शिकारियों से भरा हुआ है, खासकर इन तेज तर्रार चीतों से। लेकिन अफ्रीका के जंगलों में इनके कुछ शिकार ऐसे भी हैं जो काफी तेज होते हैं, जिसके कारण इन्होंने खुद को इन खतरनाक शिकारियों के बीच बचना और जीना सीख लिया है। लेकिन सिर्फ इनकी तेजी ही हमेशा काम नहीं आती, कभी कभी जिंदा रहने के लिए इन्हें लड़ना भी पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अफ्रीका में पाए जाने वाले खूबसूरत हिरणों की प्रजाति ग्रिजेल की जिंदगी के कुछ ऐसे पलों को देखने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि किस तरह ये इन शिकारियों के बीच अपना जीवन बिता रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अफ्रीका में पाए जाने वाले ये मासूम ग्रिजेल अफ्रीका में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये दिखने में काफी शानदार और सुंदर होते हैं, और अगर बात करें इनके शरीर की तो इनकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक होती है और इनका वजन लगभग 20 से 30 किलो के बीच होता है। ये ग्रिजेल हमेशा झुंड में चरना पसंद करते हैं और ये कभी भी एक जगह पर नहीं टिकते। ये ग्रिजेल समय समय पर अलग होते हैं और कुछ समय बाद एक बड़े झुंड में मिल जाते हैं। झुंड में मौजूद शक्तिशाली नर अपने इलाके की सीमा तय करता है और दूसरे प्रतिद्वंदियों से अपने इलाके की रक्षा करता है। हालांकि ये सिर्फ अपनी शक्ति का ही प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि बिना लड़ाई के संभव नहीं हो सकती। लेकिन एक शिकारी का शिकार बनने के खतरे के आगे ये सभी चीजें फीकी पड़ जाती है। इन अफ्रीकी ग्रिजेल की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जिसके कारण ये बड़े से बड़े शिकारी को आसानी से पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन इस बड़े शिकारियों के पीछे एक नाम चीते का भी है, जिसकी नज़रें बहुत ही तेज होती है, जो अपने शिकार का पता 5 किलोमीटर की दूरी से भी आसानी से लगा सकता है। तो जैसे ही ये अपने शिकार को चुन लेता है, उसके बाद ये उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन इसकी रफ्तार को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि ये बड़ी आसानी से अपने शिकार तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ग्रिजेल इतना लचीला होता है कि वो तेज़ रफ्तार में भी अपनी दिशा बदल सकता है और अपने शिकारी को आसानी से चकमा दे सकता है। इसलिए चीते जैसे चतुर शिकारी को भी इस ग्रिजेल को पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जैसे इस शिकार के खेल में 500 मीटर की दूरी पूरी हो जाती है, उसके बाद ये शिकार का पीछा छोड़ देता है। लेकिन ग्रिजेल 1 किलोमीटर तक अपनी रफ्तार बनाए रखता है। हालांकि कुछ मौके ऐसे भी होते हैं जब दो चीते एक शिकार पर हमला बोल देते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये उसे नहीं पकड़ पाते, क्योंकि ग्रिजेल अपने शिकारियों को बड़ी चालाकी से कंफ्यूज करते हैं और मौका पाकर वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन इस खेल में हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि जीने की इच्छा के बावजूद ये कभी कभी अपने आप को बचाने में सफल नहीं हो पाते। एक चीते के लिए उसके शिकार का आकार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और इसका सबूत पड़ोस में रहने वाला ये ग्रिजेल है। 50 किलो के औसत वजन के साथ ये अपने शिकार का सही तरीके से पीछा कर रही है, लेकिन इसके बावजूद ये इसके पूरे परिवार के लिए एक गंभीर समस्या बन सकती है। हालांकि इसके दो बच्चे भी हैं जो अपनी माँ से शिकार का खेल सीख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि इनकी माँ बड़ी मेहनत से शिकार को ज़मीन पर ला रही है। अब इन चीतों को बड़े धीरे से काम लेना होगा, क्योंकि ये ऐसा खेल है जिसमें बाजी पलटते समय नहीं लगता। अगर इस ग्रिजेल को मौका मिल गया तो ये अपने 80 सेंटीमीटर लंबे सींगों से शिकारी पर हमला कर देता है और शिकारी खुद शिकार बन जाता है। ऐसा भयंकर हमला बहुत ही घातक होता है, क्योंकि ये सींग उसकी गर्दन में घुसकर आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा देते हैं, जो इस चीते को हमेशा के लिए शांत करने के लिए काफ़ी है। भले इस चीते को कोई चोट ना लगी हो, लेकिन आज इसे और इसके बच्चों को भुखमरी का सामना करना होगा। किसी भी शिकारी के लिए एक वेस्ट ग्रिजेल से ज़्यादा उसके बच्चे बहुत ही आसान शिकार होते हैं, और वो भी तब जब ये बच्चे बिना सुरक्षा के होते हैं। हिरणों की प्रजाति में कभी भी झुंडों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई झुंड में है या झुंड से अलग है। लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि अगर शिकारियों की नज़रों से बचना हो तो झुंड में शामिल हो जाओ। लेकिन इन ग्रिजेलों को सिर्फ चीतों या लकड़बग्घों से नहीं, बल्कि मांसाहारी लंगूर से भी खतरा होता है, जो सिर्फ ताज़ा मांस खाने के आदि होते हैं। ये लंगूर भी छोटे बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं और पास आने के बाद हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन ये बच्चे भी काफ़ी तेज़ होते हैं,
जिसके कारण इन्हें पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि जब ये बच्चे शिकारियों के हाथ लग जाते हैं तो इनकी माँ बच्चों को शिकारियों के चंगुल से बचाने के लिए इस लड़ाई में कूद पड़ती है और अपने सींगों से दुश्मन पर हमला बोल देती है। हालांकि मादाओं के सींग काफ़ी मामूली होते हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये साधारण हथियार बहुत ही खतरनाक बन जाता है, जिसके कारण एक भूखे शिकारी को भी पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। ग्रिजेल के बच्चे जन्म के बाद से ही तेज दौड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन इस अफ्रीका के खतरनाक जंगल में ये काबिलियत काफ़ी नहीं है और इन्हें जिंदा रहने के लिए एक खास प्लान का इस्तेमाल करना होगा। खतरा महसूस होने पर माँ अपने बच्चों को घास में छुपा देती है और उस पर कड़ी नज़र रखती है, और उसकी पूरी कोशिश रहती है कि उसके बच्चों पर किसी भी शिकारी का ध्यान ना जाए। अपने बच्चों को बचाने के लिए यह तरीका सच में काबिले तारीफ है, लेकिन जब शिकारी चालाक लोमड़ी हो तो सारी चीजें उलट जाती है, क्योंकि ये लोमड़ी हमेशा आसान शिकार की तलाश में होते हैं और इसकी नज़र इसके बच्चे पर पड़ चुकी है। लोमड़ी को पास आता देख बच्चे को भी भागना पड़ता है और माँ की पूरी कोशिश रहती है कि वो इस दुश्मन को अपने बच्चे से बहुत दूर ले जाए, लेकिन इतने चालाक शिकारी को दूर भगाना इतना आसान नहीं है। ये इतना ढीठ होता है कि ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ता और लगातार पीछा करता रहता है। लोमड़ियों के पीछे आने का मतलब है कि अभी हालात और भी खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसे शिकारी हैं जिनमें से एक माँ को उलझा देता है और दूसरा बच्चों पर घात लगाता है, और ऐसी स्थिति में इस माँ को दोनों तरफ लड़ना पड़ता है। इस तरह की लड़ाई में ये बहुत जल्दी थक जाती है और ऐसे हालातों में इसके पास जीतने का ज्यादा मौका भी नहीं होता। पर कभी कभी दुश्मन भी बिना जाने एक खतरनाक स्थिति में इनकी मदद कर देते हैं। इस चीते ने इस लोमड़ी को चुन लिया है, लेकिन सिर्फ इसे अपना प्रतियोगी समझकर उसे सबक सिखाने के लिए और उसे अपने शिकार के क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए। लेकिन इनके शिकारी पानी में भी इनका इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि नदियों को पार करना इन हिरणों की सबसे बड़ी जरूरत होती है और यहाँ किसी भी तरह की देरी इन हिरणों की जान ले सकती है। इसलिए सारे ग्रिजेल हिम्मत जुटाकर बड़ी तेजी से नदी पार कर रहे हैं, और ये दृश्य हमें ये दर्शाता है कि इन विशालकाय मगरमच्छों से दूर रहना ही बेहतर है। नदियों को पार करने के बाद ये सारे ग्रिजेल एक लंबी घास वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं, जहां एक बार फिर इनके शिकारी इन लंबी घासों के बीच घात लगाकर बैठे होते हैं। इतने खतरनाक शिकारी होने के बावजूद ये इन हिरणों को आसानी से नहीं पकड़ पाते, क्योंकि ये हिरण बहुत ही तेज होते हैं और शिकारियों के पास इन्हें पकड़ने का सिर्फ एक ही मौका होता है, जिसके लिए इन्हें अचानक हमला करना पड़ता है, और अगर इस बीच कोई अड़चन आती है तो इन्हें अपने शिकार से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा इन पर आसमानी शिकारियों का भी खतरा मंडराता रहता है, और सबसे ज़्यादा इनके बच्चों पर, जिसके कारण इन्हें हमेशा इन पक्षियों को अपने बच्चों से दूर भगाना पड़ता है। लेकिन इस पूरे अफ्रीका के जंगल में इन्हें सबसे ज़्यादा खतरा चीतों से ही होता है, और इन चीतों के 90% भोजन की पूर्ति इन हिरणों से ही होती है। हालांकि मानव हस्तक्षेप के कारण इनकी आबादी को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद इनकी अनुमानित संख्या 2 लाख से भी ज़्यादा है, जिसके कारण ये सुंदर जीव खतरे की श्रेणी में नहीं आते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।